नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत है हमारे चैनल दुनिया सपनों की। और दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कि हथेली पे बनने वाले त्रिशूल के बारे में। दोस्तों, हथेली पे अलग अलग चिन्ह देखे जाते हैं। यदि आप एक मेल हैं तो आप अपना राइट हैंड देख सकते हैं, और यदि आप एक फीमेल हैं तो आप अपना लेफ्ट हैंड देखें। हस्तरेखा विज्ञान के अनुसार हथेली पे अलग अलग निशान पाए जाते हैं और उनका अलग अलग मतलब भी होता है। इसी प्रकार से हथेली पे त्रिशूल का निशान भी पाया जाता है, और जिस इंसान के हाथ पे भी ये त्रिशूल का निशान पाया जाता है वो काफी भाग्यशाली माना जाता है, क्योंकि त्रिशूल भगवान शिव का शस्त्र होता है। इसीलिए जिस व्यक्ति के हाथ पे त्रिशूल का निशान होता है वो काफी शुभ और सकारात्मक संकेत देने वाला माना जाता है। तो आइए दोस्तों, जानते हैं हाथ पे त्रिशूल का निशान आपको क्या संकेत देता है। हथेली पे ये अलग अलग जगहों पे पाया जाता है। तो सबसे पहले बात करते हैं, यदि आपके हृदय रेखा में त्रिशूल का निशान बनता है तो ऐसे व्यक्ति का नेचर काफी अलग अलग होता है। ऐसा व्यक्ति गुस्से वाला भी होता है, इमोशनल भी होता है और प्रैक्टिकल भी होता है। ऐसे लोगों को काफी जल्दी गुस्सा भी आ जाता है और काफी जल्दी इमोशनल भी हो जाते हैं। ऐसे लोग प्रैक्टिकल होते हैं, इसीलिए अपनी सूझबूझ और समझदारी से दूसरों से अपना काम काफी आसानी से निकलवा लेते हैं। और यदि हृदय रेखा का त्रिशूल गुरु पर्वत पे बनता है, बहुत ही शुभ माना जाता है। इसका अर्थ होता है कि उस व्यक्ति के जीवन में धन धान्य की कभी कमी नहीं होती। ऐसे व्यक्ति के जीवन में राजयोग होता है। यदि किसी व्यक्ति की हथेली में मस्तिष्क रेखा में त्रिशूल बनता है तो ऐसे व्यक्ति काफी क्रिएटिव होते हैं। इनका अलग अलग व्यवसाय और अलग अलग शहरों में होता है। ऐसे व्यक्ति काफी नाम कमाते हैं, सफलता हासिल होती है इन्हें अपने कार्य की वजह से। और यदि किसी व्यक्ति के हाथ में भाग्य रेखा में शनि पर्वत पे त्रिशूल बनता है तो ऐसा व्यक्ति ज्ञानी और धन संपत्ति का मालिक बनता है। और यदि किसी व्यक्ति के सूर्य पर्वत पे त्रिशूल का निशान होता है तो ऐसे व्यक्ति को समाज में मान सम्मान हासिल होता है, कई उपलब्धियों को हासिल करता है। और यदि किसी व्यक्ति के हाथ में बुद्ध पर्वत पे त्रिशूल का निशान बनता है तो ऐसा व्यक्ति अपने ज्ञान की वजह से और सूझबूझ की वजह से जीवन में धन कमाता है और नाम कमाता है। और यदि किसी व्यक्ति के हाथ में शुक्र पर्वत पे त्रिशूल का निशान पाया जाता है तो ऐसे व्यक्ति को सच्चा प्यार हासिल होता है, और ऐसे व्यक्तियों को सांसारिक सभी सुख प्राप्त होते हैं। और यदि किसी व्यक्ति के हाथ में चंद्र पर्वत पे त्रिशूल का निशान पाया जाता है तो ऐसे व्यक्ति कल्पनाशील होते हैं और काफी रचनात्मक भी होते हैं। और यदि किसी व्यक्ति के हाथ में जीवन रेखा में त्रिशूल पाया जाता है तो ऐसे व्यक्ति अपने परिवार का काफी ख्याल रखते हैं, परिवार की जिम्मेदारियों को अच्छी तरह से निभाते हैं, और ऐसे व्यक्तियों का स्वास्थ्य भी काफी अच्छा रहता है। तो दोस्तों, मैं आशा करती हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार दोस्तों।